22শে জানুয়ারি 2024 দক্ষিণ কলকাতার হেস্টিং শিব মন্দিরে অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে বিজেপি দক্ষিণ কলকাতা এসসি মোর্চার পক্ষ থেকে একটি প্রসাদ বিতরণের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করা হয়। সকাল থেকে বহু হিন্দু রাম ভক্তদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে। সকাল থেকে পূজোর মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। ভক্তরা সেখানে আনন্দের উৎসবে বাজি ফাটিয়ে তাদের আনন্দ প্রকাশ করে এবং সেখানে বিজেপি দক্ষিণ কলকাতা এসসি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক জন রায়ের উদ্যোগে প্রায় 1500 জন ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছিল। এবং জন রায় তিনি বলেন, সন্ধেবেলায় তারা একটি বৃহত্তর প্রদীপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। চলুন দেখে নিই তারই কিছু দৃশ্য ইওর টাইম ডিল কলকাতার পর্দায়। অন্তর আত্মা কা খুশি কা বিষয় আর সিফ মেরা লিয়ে নেই और सिर्फ सनातन के लिए नहीं, ये समस्त ब्रह्मांड के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि अब विगत 500 वर्षों के बाद, अथक प्रयासों के बाद आज एक खुशी का मौका आया है। तो इसके लिए हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और आप देख सकते होंगे हमारा जो माहौल है यहाँ का कि हम लोग किस तरह से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ साथ इस जगह के समस्त लोग शामिल है, इसमें हिंदू मुस्लिम सब। जिस तरह से हम लोगों ने आज ये भोग का आयोजन किया है वो ना कि सिर्फ सनातनी के लिए है, बल्कि राहगीर जो भी आके इस प्रसाद को खा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। अच्छा प्रश्न पूछे। और जहाँ तक अयोध्या जाने का जो सवाल है, इतना सा ये छोटा सा जगह में इतना खुशी है, अगर कोशिश रहेगा हम लोग सारे के सारे लोग अयोध्या जल्दी से जल्द जाने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों को वैसे एक मौका मिलने वाला है 5 तारीख को, 5 फरवरी को हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का उस तरह से जाने का अभी तय हुआ जा रहा है। ये बात इसमें तो कोई पॉलिटिक्स है नहीं, लेकिन ये सद्बुद्धि का बात है, ये सद्बुद्धि का बात है। राम तो सिर्फ मेरे नहीं हैं, समस्त संसार के राम हैं। और राम सिर्फ राम ऐसे ही नहीं है, वो पुरुषों में उत्तम राम है, इसीलिए उनको पूजा जा रहा है। अगर उनके विषय में कोई अगर अपना अलग विचार रखते हैं तो उसमें उनकी मानसिकता दर्शाती है, इसमें हमारा कुछ नहीं। उन्होंने अभी तक जो कार्यक्रम किया है, अभी सुबह से हम लोगों का प्रोजेक्टर में लाइव दर्शन चल रहा था, उसके बाद हमने कुछ पटाखा वगैरह भी जलाई, हमने कुछ दिया भी जलाया और भोग का भी है। जो भोग जो है वो लगभग 1200 से 1500 लोगों का भोग है सामने, और जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे डीजे वगैरह सब बज रहा है क्योंकि खुशी का माहौल है। और सामने हम लोग दीप उत्सव का भी कार्यक्रम है। पूरे समस्त देश को मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है ये हमारे जीवन में एक नया युग जुड़ गया है। इसके अलावा अब हर वर्ष इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाइए। आगे हम लोग वर्ष में सिर्फ एक दिवाली मनाते थे, लेकिन अब हम लोगों के खुशनसीबी है कि हम लोगों को 2 दिवाली मनाने का मौका मिला है। तो मैं चाहता हूँ मेरे तरफ से और इस कमेटी की तरफ से समस्त देशवासियों को ये अनुरोध करता हूँ कि आने वाले हर वर्ष आज के दिन एक दीपोत्सव मनाया जाए। निभाने में हमारे साथ ये समस्त मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, जैसे महेश राम है, ज्योतिष है, राणा है, संजय सिंह है, अप्पू है, राम है, सोनू है, संदीप है, पारेश है। इस तरह के हम लोगों ने मतलब सब मिलकर ही प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, इस आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आज का ये कार्यक्रम पिछले महीनों से ही हम लोग स्थापित कर चुके थे कि आज के दिन जो है बहुत वैभव दिन है। हम लोग सारे लोग प्रेम सूत्र में बनना चाहते हैं, सारा हम ही नहीं बल्कि ये एरिया नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग, पूरे दुनिया के लोग आज का दिन का उत्सव मनाना चाहते हैं। इस उत्सव के लिए हम लोग आज एक सूत्र में हम लोग यहाँ बनकर सेवा के भाव, प्रेम के भाव यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं सभी से। जैसे कि हमारे अभी अभी हमारे एक कार्यकर्ता ने कहा कि करीब करीब 1500 लोगों का यहाँ पर आयोजन है, प्रसाद वितरण का प्रोग्राम चल रहा है, महिलाएं सभी उत्सव मना रही हैं, प्रसाद वितरण कर रही है और जय श्री राम का नारा लगा रही हैं, क्योंकि वो लोग बहुत उत्साहित है, बहुत प्रफुल्लित है, क्योंकि आज के दिन जो पिछले 500 वर्षों का जो एक संघर्ष है वो आज स्थापित हुआ है। ऐसे राम जी तो पूरे भारतवर्ष में हमेशा से यहाँ पर चिन्ह हर कणकण में राम है, परंतु जो राम के लिए हम लोग जो उनका जन्म स्थान था, जिनकी लड़ाई
लड़ाई 500 बरस से चल रहा था, उस लड़ाई को उस टेंट से निकाल कर आज एक महल में उनको स्थापित किया जा रहा है। इसी का खुशी, इसी का उल्लास हम सभी यहाँ के निवासी मना रहे हैं धूमधाम से। आपने देखें योर टाइम डील कोलकाता।